हेलो गज नमस्कार मैं हूं अमित और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और ये वीडियो पार्ट टू है कंप्रेशन वाली वीडियो का जो कि मैंने इसके पहले बनाया हुआ है तो ये वीडियो खास करके उन लोग के लिए जो कि अभी नए हैं जो लोग अभी कंप्रेसर को सुन नहीं पाते हैं जिनके पास अच्छे हेडफोन नहीं है या फिर अच्छे स्पीकर नहीं है और जो कि जब ट्यूटोरियल देखते हैं तो उसमें वो फिंग करके दिखाता है कि देखो कंप्रेसर लगाने के बाद कितना फर्क आ गया लेकिन आपको सुनकर लगता है यार कोई फर्क तो नहीं आया इंस्ट्रूमेंट में तो कंप्रेसर लगाने की बात आती है तो आपका काम प्रीसेट से चल जाता है लेकिन जब बात आती है वोकल की तो वोकल सबकी डिफरेंट होती है तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है आपको समझ में नहीं आता कैसे लगाएं ठीक है तो आज की वीडियो में वो वाली दिक्कत मैं दूर करने वाला हूँ और यहाँ पे मैंने वोकल्स लिया जो कि मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया हुआ था और अभी को मैंने इसको इम्पोर्ट किया अपने कंप्यूटर में इसको प्ले करके पहले सुनाता हूँ सुनते समय आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे कितना लाउड वॉल्यूम है यहाँ पे कितना धीरे वॉल्यूम है ठीक है आपको ध्यान इसका देना है सुर पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि वोकल ट्यून नहीं किया गया है मैं प्ले करता हूँ इसको कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें बर के तो लगे मुझ पहली बारिश की दुआ तेरे पहलू रह रहूं मैं खुद को पागल लूं तो गम दे खुशियाँ लूं साथिया हो हे, ठीक है तो आपने सुना काफ़ी ज़्यादा कहीं वॉल्यूम कम है कहीं ज्यादा है कहीं कम है कहीं ज़्यादा अब यहाँ पे काम आता है कंप्रेसर का ठीक है तो मैं लेता हूँ एक कंप्रेसर आप कोई भी कंप्रेसर ले सकते हैं मैं इसका स्टॉक प्लगिन जो है क्यूबेज का वही लेता हूँ ठीक है अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने थ्रेश पूरा ऊपर कर दिया अब कंप्रेसर लगाते समय आपको ध्यान देना है कि गेन रिडक्शन कितना हो रहा है बहुत ज्यादा जरूर होता है इस पर ध्यान देना ठीक है अगर बात करें रेशियो की तो वोकल्स में वी कैन यूज़ फ्रॉम टू इस टू वन टू फोर इस टू वन ठीक है टू इस टू वन से लेके गए फोर इस टू वन तक हम यूज़ कर सकते हैं वोकल्स में कुछ रेयर केसेस में हम थोड़ा हाई यूज़ करते हैं ठीक है लेकिन आपका काम टू इस टू वन से फोर इज टू वन में चल जाएगा इसके बाद बात आती है अटैक की तो अटैक हम यूज़ करेंगे फाइव मिली सेकेंड से लेके गए ट्वेंटी मिली सेकेंड तक अब आप कहेंगे कि आप एग्जैक्ट वैल्यू क्यों बता रहे हैं कि इतना कर रहे क्योंकि सबकी वोकल्स तो अलग होती है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वोकल सबकी अलग होती है उसके हिसाब से हम थ्रेशोल्ड सेट करते हैं ठीक है बाकी ये सब एक रेंज होता है उसी के बीच में थ्रेशोल्डर रिलीज रहता है वोकल्स में ठीक है तो इसको मैं सेट कर दिया सपोज करीब थर्टीन ठीक है और मैं इसको थ्री इस टू वन कर देता हूँ ठीक है थ्री इस टू वन अटैक मैंने कर दिया थर्टीन मिली सेकेंड रिलीज हम रखेंगे टेन से लेके फोर्टी के बीच में आप टेन से नीचे भी जा सकते हैं नाइन पे आ सकते हैं एट पे आ सकते हैं और फोर्टी से ऊपर भी जा सकते हैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बस ये है कि इतना रेंज में हमारे वोकल्स पे रिलीज लगता है ठीक है मैंने रिलीज़ थर्टी फाइव रखा हुआ है यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो रिलीज़ कंप्रेसर खुद से सेट करेगा लेकिन मैं उसको हटा देता हूँ मैं अपने से सेट करूंगा इसके बाद मेकअप गेन को मैं ऑफ करता हूँ मेकअप गेन हम बाद में लगाएंगे ठीक है अब मैं इसको प्ले करूंगा और थ्रेशोल्ड को धीरे धीरे नीचे करूंगा और मेरा ध्यान रहेगा गेन रिडक्शन पे माइनस थ्री से लेके माइनस फोर माइनस फाइव डीबी तक रहना चाहिए जहां पे हम नॉर्मल गा रहे हैं जहां पे ऊंचा गा रहे हैं वहां पे तो ये ज्यादा जाएगा ठीक इस है इसे नॉर्मल पार्ट है यहाँ पे नॉर्मल पार्ट है यहाँ पे माइनस थ्री से माइनस फोर माइनस फाइव कुछ इसके आसपास जाना चाहिए ठीक है बाकी जहाँ पे ये हाई गया है ये हाई पीक्स गई है वहां पे तो गेन रिडक्शन ज्यादा होगा ताकि इसको कंप्रेस करके वो नीचे ला पाए ठीक है ठीक है मैं प्ले करता हूँ थ्रेश सेट करता हूँ बारिश की दुआ तेरे पहलू में रह लू मैं खुद को पागल कह लू तू गम दे खुशियां सहलू साथिया हो, हो, हो। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे भर के तो लगे मुझ पहली बारिश की दुआ ठीक है जहां मैं नॉर्मल गाया हुआ है जैसे कि मैं ये पार्ट लेता हूँ लूप करता हूँ और यहाँ पे गेन रिडक्शन आप देखिए इसलिए ये कंप्रेसर जूम नहीं होगा ना नहीं तो मैं दिखाता ये आपका यहाँ माइनस थ्री से माइनस सिक्स के बीच में है ठीक है जहां पे मैं नॉर्मल गया हूँ जहाँ पे ऊंचा गया हूँ मैं जहां पे पिक्स हाई गई वहां पे गेन रिडक्शन ज्यादा होगा ही होगा बारिश की दुआ ठीक है तो हमारा कंप्रेसर लग गया अब आप, आप लोग कहेंगे इतना ईजी है हाँ इतना ईजी है ठीक है कंप्रेसर में और कुछ करते नहीं है अभी मैं इसको एक्सपोर्ट करके इसका आउटपुट मैं आपको दिखाऊंगा कि कि क्या क्या डिफरेंस आया कंप्रेसर लगाने के बाद और कंप्रेसर से पहले वेवफॉर्म फॉर्म में अब पहले हम इसमें करते हैं। करने का तरीका यह है कि इसको बंद करके हम सुनेंगे इसको चालू करेंगे फिर, सुनेंगे। फिर बढ़ाएंगे इसको फिर इसको बंद किया मैं सुना फिर उसको चालू किया फिर सुना अभी भी कंप्रेसर लगाने के बाद वॉल्यूम कम है तो और बढ़ाऊंगा मैं इसको फिर बंद किया इसको मैं फिर सुना गविजो बाद फिर चालू करके सुनता हूं गविजो अभी भी आवाज धीरे है मैं और बढ़ाऊंगा फिर बंद करता हूं थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा आपको ठीक है क्या करे यार समझाने के लिए बहुत धीरे धीरे ही करना पड़ता है मैं तो जल्दी जल्दी लगा के छोड़ सकता हूँ लेकिन क्या किया जाए आपको समझ में आना चाहिए नहीं तो मेरा जो मोटिव है वो सर्व नहीं होगा ठीक है आपको समझाना ही मेन मोटिव है मेरा यहाँ पे ठीक है इसको मैं प्ले करता हूँ फिर से इसको बंद करके कवि जो बाविजो ऑलमोस्ट हो गया थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। कभी जो एक्चुअली वॉल्यूम बराबर करना इसलिए ज़रूरी होता है ना कंप्रेसर से पहले कंप्रेसर के बाद पहली बात होती है गेन स्टेजिंग ठीक है और दूसरी बात होती है कि ये इंसानी फितरत है ये ह्यूमन नेचर है कि अगर हम कोई चीज हाई वॉल्यूम में सुन रहे हैं ना तो हमें लगता है हाँ यार ये अच्छा साउंड कर रहा है ठीक है इसीलिए कंप्रेसर लगाने के बाद हम इतना मेकअप गेन ना बढ़ा दें ताकि वो लाउड साउंड करे तो हमें अपने आप फील होगा यार ये तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है ठीक है तो हमें दोनों का लेवल बराबर रखना उसके बाद हमें सुनना है ये चीज की कंप्रेसर लगाने से पहले हमें जो हमारी वॉल्यूम है हमारी जो वोकल्स है उसमें कहीं उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव से मेरा मतलब है कि कहीं वॉल्यूम कम कहीं ज्यादा सुनाई दे रहा है और कंप्रेसर लगाने के बाद हमें एक यूनिफॉर्म वॉल्यूम सुनाई दे रही है कि हल्का फुल्का कम ज़्यादा वोकल्स हो रहा है ठीक है हमें डायनेमिक रेंज कट नहीं करना रहता हमें पूरा हटाना नहीं रहता डायनेमिक रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है फील डालने के लिए लेकिन इसको कंट्रोल करके कर रखना रहता है तब इससे ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है ठीक है हम पूरा छोड़ देंगे इसको डायनेमिक रेंज बहुत ज़्यादा रहेगा फिर भी नुकसान करेगा बहुत कम रहेगा फिर भी नुकसान करेगा मैंने कंप्रेसर ऑफ किया आपको सुनना है ठीक है अभी बता दो कि आपको सुनना है कि आपको सुनना ये है इसमें कि देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है कम वॉल्यूम में ज़्यादा वॉल्यूम में अभी कंप्रेसर बंद क्यों तब ठीक है कभी जो बादल बरसे, मैं देखूं तो लगे बारिश की दुआ तेरे पहलू कंप्रेसर चालू करता हूं अब सुनिए अब जहां पे हाई पीक है जहां पे कम पीक है उसके बीच का डिफरेंस बहुत कम होगा मतलब वॉल्यूम का डिफरेंस मुझे तो साफ साफ समझ में आ रहा है ठीक है आपको भी आना चाहिए साफ साफ समझ में मैं इतना पार्ट लूप करता हूँ फिर से आपको सुनाता हूँ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम होगा मतलब यहाँ पे जब आएगा कर्सर तो वॉल्यूम कम रहेगा ठीक है कंप्रेसर बंद है अभी

इसको एक्सपोर्ट करता हूं ताकि मैं इसका वेब फॉर्म आपको दिखा पाऊं मैं इसको लिखता हूं वॉक्स कंप्रेस्ड ठीक है एक्सपोर्ट किया मैंने इसको डाउनलोड फोल्डर में मैंने खोला डाउनलोड यहाँ पे वॉक्स कंप्रेस्ड आया मैंने इसको ले लिया इसको भी मैं एक कलर दे देता हूं अब देखिए यहां पे डिफरेंस देखिए जहां पे ये कम था वहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है एक्चुअली बढ़ा नहीं है कंप्रेसर ने जब हमने मेकअप गेन लगाया तो बढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा और ये जो पार्ट है ये कम होके रेंज में आया हुआ है ठीक है जितना हम थोड़ा सा दबाने की कोशिश कर रहे थे वो दबा हुआ है ठीक है अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ पीक दिख रही हैं जो मैं अटैक की बात कर रहा था यहाँ पर एक पीक निकली है यहाँ पर ये इतना पीक निकली लेकिन उसको पूरा कट नहीं किया थोड़ा सा छोड़ दिया यहाँ थोड़ा छोड़ दिया अब इतना अटैक रखना जो कि मैं रखा हुआ हूँ यहाँ पे थर्टीन ठीक है ये अटैक रखना जरूरी है अगर मैं बहुत कम कर दूंगा तो ये पिक्स कट जाएंगे ठीक है ये पिक्स कंप्रेसर सीधे कट कर देगा मैं एक बार दिखा देता हूं आपको मैं क्या करता हूं कि इसको म्यूट कर दिया मैं और इसमें मैं इसको अटैक एकदम कम कर देता हूं ठीक है एक्सपोर्ट करता हूं मैं फिर से इसको मैं लिखता हूं जीरो अटैक ठीक है इसकी पीक्स कट गई ये पीक्स कट गई है ये पीक कट गई है ठीक है यहाँ पे ये जो पीक है ये कट गई है तो हमें इतना कम भी नहीं रखना रहता है कि हम पूरा पीक ही कट कर दें और इतना ज्यादा भी नहीं रखना रहता है कि वो उछल उछल के बाहर आ जाए ठीक है अब मैं बताता हूँ रीजन इसके पीछे क्या ठीक है थोड़ा सा इसको रंग लिया जाए अगर ये पीक्स नहीं निकले रहेंगे ना तो जो हमारी म्यूजिक है ना उसमें हमारी वोकस काफी पीछे चली जाएगी हमें अप फ्रंट पे नहीं सुनाई देगी वो कट थ्रू द मिक्स नहीं करेगी कट थ्रू द मिक्स करने के लिए जो ये चीज़ है ना ये वाली चीज ये थोड़ी थोड़ी पीक्स निकली रहना चाहिए ताकि जब म्यूजिक पूरा चल रहा है उसके बीच से हमारी वोकल्स थोड़ा सा कट थ्रू करें ताकि वो हमें आगे सुनाई दे अब फ्रंट सुनाई दे ठीक है और अगर इतना ज़्यादा रहेगा ना तो क्या होगा कि बीच बीच में कहीं कहीं कम सुनाई दे रहा है कहीं वोकल्स एकदम बाहर आ गए ठीक है तो वोकल्स यूनिफॉर्म नहीं सुनाई देंगे ठीक है मतलब कॉन्स्टेंट नहीं सुनाई देंगे तो हमें दिक्कत होगा ठीक है अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ा सा लंबी हो ही जाती है यार मैं धीरे धीरे समझाता हूँ क्या किया जाए आदत ख़राब है ठीक है चलो अटैक पिछले बार हम रखे थे थर्टीन ठीक है थर्टीन जब हमने ये निकाला था यहाँ पे तो ज़ीरो कर दिया था अटैक में बढ़ा देता हूँ मैं फिफ्टी फोर कर दिया फिफ्टी फोर नहीं मैं कर देता हूँ इसको चलो फोर्टी फाइव रख लेते हैं ठीक है ओके अब मैं क्या करता हूँ फिर से मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ यहीं पर ना फोर्टी फाइव की एक मिनट अब मैं इसको फिर से एक्सपोर्ट करता हूँ ठीक है मैंने इसको किया सोलो एक्सपोर्ट यहां पे लिख देता हूँ स्लो अटैक इसलिए स्लो नहीं इसको मीडियम कहेंगे मैंने स्लो लिख दिया जस्ट इसको मैं करता हूं इम्पोर्ट देखिए अब अटैक हमने ज्यादा बढ़ाया ठीक है तो ये पिक्स ज्यादा निकल गई ठीक है तो ये भी नुकसान करता है तो हमें एक ऑप्टिमम लेवल रखना रहता है जो कि जरूरी हो मैं ये चार आपको दूंगा कि आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे तो आपको सेलेक्ट करना होगा ये ठीक है क्योंकि ये ज्यादा सही इसमें पिक्स बहुत कटी भी नहीं है पिक्स बहुत ज्यादा भी नहीं है ये बेस्ट है ये आपके मिक्स में सूट करेगा ठीक है तो मैं इन सबको करता हूँ रिमूव ठीक है अगर आप कोई डिजिटल मीटर लेंगे ना जैसे सीएलए वाला हो गया कोई भी हो गया जैसे मैंने ये ले लिया तो इसमें भी देखना बहुत ज़्यादा ईज़ी है ठीक है मैंने लास्ट वीडियो में जबकि बताया हुआ है इसमें जैसे आपका ऊपर से नेगेटिव करके दिखा रहा था ना कि नेगेटिव थ्री नेगेटिव सिक्स ऐसे करके इसमें भी ऐसे ही दिखाएगा ये जो कांटा है आपका जो ये क्या बोलते हैं यार इसको कुछ बोलते हैं याद नहीं आ रहा है। ठीक है तो ये जब यहाँ थ्री से ऐसे इतना पे आएगा यहाँ लहराएगा कहीं तब जाके कंप्रेसर आपको बंद करना है मतलब उतने पे रोक देना कि हाँ भाई इतना कंप्रेशन सही है ठीक है ठीक है अब आते हैं दूसरे तरीके पे अभी और भी बहुत सारे तरीके हैं एक्चुअली लेकिन वो थोड़ा टेक्निकल हैं जो कि अगर आप बिगने हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा आपको कि अरे यार यो तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको तो समझ में नहीं आ रहा है एल यू एफ एस का होता है आर एम एस का होता है ये सब आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे इसलिए वो तरीके मैं नहीं बता रहा अब मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको कोई भी प्लग ले लेनी है जिसमें कि आपको एक डायनेमिक रेंज एक्चुअली वेव फॉर्म दिखा रहा हो ठीक है जैसे मैं प्लगइन ले लेता हूँ मैं मैक्सिमाइजर एक ओजोन का है उसमें दिखाता है ठीक है मैं बता मैं किसकी बात कर रहा हूँ ठीक है ये ओजोन की ओजोन नाइन मत इसका हमें कोई काम नहीं क्योंकि ये मैक्सिमाइजर प्लगिन है अभी इसको मैं नहीं बताऊंगा जब मास्टरिंग बताऊंगा तो वहाँ पे काम आएगा ये हमें देखना क्या हमें काम क्या इस प्लगिन का कि जब मैं प्ले करूंगा ना इसको तो यहाँ पे वेब फॉर्म दिखाएगा थोड़ा सा लंबा हो जाए तो लंबा कर लेते हैं इसको जो बादल बरसे, मैं तुझे मुझे पहली बारिश की ठीक है ये मैं रोक नहीं सकता क्योंकि रोकने का कोई सिस्टम नहीं ये चलते ही जाएगा अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैंने लिया ये वाला मीटर वाला कि जिसमें मैं कि जिसमें मैं मीटर देख सकता हूँ मैंने इसके ऊपर कहीं ले लिया कंप्रेसर ठीक है अब हम यहाँ पे आउटपुट देखेंगे और यहाँ पे कंप्रेसर लगाएंगे ठीक है अटैक वही आपका फाइव टू ट्वेंटी लेकिन फाइव से नीचे मत आना कट कर देगा पूरा ठीक है तो अटैक मैं रख लेता हूँ ट्वेल्व पॉइंट फाइव ठीक है या फिर टेन रख लेते हैं रेशियो में रखता हूँ थ्री टू वन अगर आप कोई ऐसा गाना गा रहे हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा वो जल्दी हाई जा रहा है लो जा रहा है जैसे कुछ गाने होते हैं ना ऐसे चला है ना 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 ठीक है करके ऊपर नीचे ऊपर नीचे जल्दी, जल्दी जल्दी हो रहा है तो वहाँ पे आप फोर तक जा सकते हैं फोर इज टू वन तक रेशियो में और अगर ऐसा गाना है जिसका डायनेमिक रेंज वैसे ही बहुत कम है जैसे कि लो स्केल के गाने होते हैं जैसे ये हो गया हर मुलाकात पे महसूस होता है ठीक है तो ऐसे जो लो वाले गाने हैं उसमें आप टू वन या फिर टू इस्ट वन से भी नीचे आ जाएंगे रेशियो में फिर भी कम करेगा ठीक है जो नॉर्मल गाना है जैसे कि हाँ तू ही तू दरिया तू ही प्यास तू ठीक है तो इसमें आप थ्री टू वन इसके अकॉर्डिंग थ्री टू वन के अराउंड आपका काम चल जाएगा ठीक है चलो ज्ञान की बातें हो गई बहुत ज़्यादा आप अप्लाई करते हैं मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ यार आपका इसके लिए सॉरी मैं जल्दी नहीं बता पाता ठीक है मैं रिलीज़ करता हूँ फिफ्टी फिफ्टी नहीं थर्टी ठीक है इसके बाद मेकअप गेन हम अभी यूज़ करेंगे और मैं एकदम ऊपर कर देता हूँ अप्ले करता हूँ इसको तेरे पहलू में में खुद को अब यहां पे कोई गेन नहीं हो रहा है है। है, है क्योंकि हम लोग का एकदम ऊपर ऊपर जब के जाता तब जाके गेन होता और हमने थ्रेश होल्ड सेट किया हुआ है आसमान में ठीक है मतलब जीरो पॉइंट जीरो डीबी पे मैं नीचे लाऊंगा तो यहाँ पे गेन रिडक्शन शुरू होगा हो मैं देखूं तुझे के लगे मुझे पहली अब जाके वोकल करें, करें, ठीक है? थोड़ा सा लगाते हैं बारिश की दुआ तेरे पहलू मेरे मैं खुद को खुशिया सहलू साथिया ठीक है तो ऐसे देख के आप कि जहाँ पे बहुत ज्यादा डायनेमिक रेंज ऊपर नीचे नहीं जा रहा है ठीक है यहाँ पे हम पूरा सही से देख सकते हैं उसके बाद हमें जब सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो हम जाके इसको क्लोज करेंगे कंप्रेसर लग गया इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे और हमारा कंप्रेसर लग गया ठीक है और भी काफ़ी तरीके हैं एक है तरीका मैं बताऊंगा नहीं मैं जस्ट हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ ठीक है उसमें हम क्या करते हैं कोई मीटर ले लेते ले ले हैं जैसे मेरे पास होगा कि नहीं होगा यार वो मीटर हाँ इस वाले कंप्यूटर में है फिलहाल ये हम प्ले करते हैं ना यहाँ पे जो बादल बरसे तो यहाँ पे हमारा डायनेमिक रेंज दिखाता है ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग हम कंप्रेसर लगाते हैं लेकिन ये जो ट्यूटोरियल है ये बिगनर्स के लिए है इसलिए मैं इसको यूज़ करके उन्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता ठीक है क्योंकि शुरू में वैसे ही नहीं समझ में आ रहा होता और डर लग जाता है ठीक है और डरने की कोई बात नहीं है ठीक है बहुत ही ईजी चीज़ है यार उसमें रहने लगोगे ना धीरे धीरे वो आप करने लगोगे तो वो नॉर्मल हो जाता है ठीक है तो आई होप किया तो आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको ठीक है कंप्रेसर था अगली वीडियो किस चीज़ पे होगी आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं जाके या फिर अगली वीडियो आप किस चीज़ पे देखना चाहेंगे आप मुझे जाके इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं डीएम करके या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ठीक है और बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं वीडियो यहाँ तक देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा यहाँ तक अगर आप वीडियो देखें तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हाँ मैंने यहाँ तक वीडियो देखा ठीक है मुझे बहुत अच्छा लगेगा ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद